गुड मॉर्निंग एवरी वन। कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस हम कर रहे थे, रेगुलेशंस हम कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारी रेगुलेशन है, दैट इज प्राइस नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। जहाँ पे आपका जो इशू साइज आपने स्पेसिफाई किया हुआ है रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में, वहाँ पे रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में प्राइस और आपका जो नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है वो मेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर फ्लोर प्राइस एंड प्राइस बैंड। जो इश्यूअर है वो मेंशन कर सकता है फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में। किन केसेस में? जहां पर इश्यूअर जो है वो ऑप्ट करता है कि उसे प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं डिस्क्लोज करना है, तो जो दूसरी चीजें हैं जो उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में वो क्या है? एक स्टेटमेंट कि जो फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड है, जैसा भी केस होगा, वो डिस्क्लोज करेगा एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर अगर है, और एटलीस्ट 1 वर्किंग डे पहले अगर फर्दर पब्लिक ऑफर है ओपनिंग बिड ओपनिंग होने से पहले। देन जहाँ पे इशू डिसाइड करता है कि वो ऑप्ट कर रहा है कि प्राइस बैंड वो शो करेगा, फ्लोर प्राइस वो शो नहीं करेगा, तो उस केस में जो इश्यूअर है उसे जो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी वो क्या, कि जो आपका प्राइस बैंड है वो शुड नॉट बी मोर देन 20% होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्लोर का बैंड के। मतलब जो फ्लोर है 20 to 30 अगर आपने लिया, तो जो कैप है प्राइस बैंड की वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी फ्लोर प्राइस है। मतलब जैसे सपोज आपका फ्लोर प्राइस आपका डिसाइड है 20, तो 20 का 20% जो होगा उससे ज़्यादा आपका जो प्राइस बैंड है वो नहीं होना चाहिए। जो प्राइस बैंड है उसे आप रिवाइज कर सकते हो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, और उस केस में जो रिविजन है आपकी वो भी 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए दोनों साइड में। मतलब अबव अगर आप जाते हो तो वो भी 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बिलो आप जाते हो तो वो भी 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस मैनर में कंटेंट जो होंगे एप्लीकेशन कम बिडिंग फॉर्म के और रिवीजन एप्लीकेशन कम बिडिंग फॉर्म के, वो आप स्पेसिफाई करोगे बोर्ड को थ्रू सर्कुलर। देन जो टर्म आती है दैट इज़ एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? एंकर इन्वेस्टर्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो पार्टी होती है जो इशू पब्लिक को ऑफर करने से पहले इशू को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब इशू को परचेज करते हैं। इनकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं कुछ, और इनको एंकर इन्वेस्टर्स को इशू क्यों किया जाता है, कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स को इशू क्यों करती है शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करने से पहले, उसका रीज़न ये है कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये जो इशू है वो अच्छा है, अच्छी कंपनी के थ्रू आया है, कंपनी जो है वो वायबल है, फाइनेंशियली साउंड है, या जो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस हैं फ्यूचर में वो ब्राइट हैं। इसलिए जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको जो कंपनी है वो इशू शेयर्स सिक्योरिटीज़ जो हैं अपनी वो करती है। जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो एप्लीकेशन जो देंगे वो एटलीस्ट कम से कम 10 करोड़ रुपीज़ की होनी चाहिए जो भी पब्लिक इशू के लिए निकल रहा है। देन जो एलोकेशन है एंकर इन्वेस्टर्स को वो डिस्क्रिशनरी बेसिस पे होती हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए। वो क्या है? मैक्सिमम 2 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्हें परमिटेड है एंकर इन्वेस्टर बनने के लिए, और वो भी उन्हें जो एलोकेशन होनी चाहिए 10 करोड़ रुपीस की होनी चाहिए। देन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्हें आप अलाउ कर सकते हो, परमिट कर सकते हो फॉर द एलोकेशन अबव 10 करोड़ रुपीस, अगर जो आपका इशू है वो 250 करोड़ रुपीस के लिए है, सब्जेक्ट टू दी कि मिनिमम जो अलॉटमेंट होगी हर एक इन्वेस्टर को वो 5 करोड़ रुपीस होगी।
इन केस अगर आपका जो इशू है वो 250 करोड़ रुपीस से अबव का है तो उस केस में मिनिमम 5 ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको आप एलोकेट करोगे अप टू 250 करोड़, और जितना भी 250 करोड़ से हर 250 करोड़ इंक्रीज हो रहा है, जैसे 250 करोड़ तक आपने 5 से 15 इन्वेस्टर्स को अपॉइंट कर दिया, उसके बाद 250 करोड़ रुपीस प्लस 250 करोड़ रुपीस, मतलब नेक्स्ट जो 250 करोड़ रुपीस है टोटल हो गया 500 करोड़, जो नेक्स्ट 250 करोड़ है उसके लिए आप एडिशनल 10 इन्वेस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, परमिट है उसके लिए, सब्जेक्ट टू कि जो मिनिमम अलॉटमेंट होनी चाहिए हर एक इन्वेस्टर को वो 5 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। देन अप टू 60% जो पोर्शन अवेलेबल होगा एलोकेशन के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, वो अवेलेबल होगा एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन और अलॉटमेंट के लिए। 1/3 जो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन है वो रिजर्व होगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए। जो बिडिंग होगी एंकर इन्वेस्टर को वो ओपन होगी ओपनिंग जो डेट है इशू की उससे एक दिन पहले। एंकर इन्वेस्टर जो है वो एप्लीकेशन मनी देगा सेम मार्जिन से देगा जो अदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स से आप मार्जिन ले रहे हैं। मार्जिन मतलब उनसे जो अलॉटमेंट आप उनसे जो आप पैसा ले रहे हैं, फर्स्ट जो पेमेंट आप उनसे ले रहे हैं शेयर्स के लिए वो मार्जिन कहलाता है। तो जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो सेम एप्लीकेशन जब वो दे रहे हैं और उस पे जो वो पे कर रहे हैं वो सेम मार्जिन से पे करेंगे जो अदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं, और जो बैलेंस अमाउंट है उन्हें पे करना है विद इन 2 डेज जब आपका जो इशू है वो क्लोज हो जाता है। जो एलोकेशन है एंकर इन्वेस्टर को वो आपको सेम डे पे कंप्लीट करनी होती है जिस डे पे बिडिंग एंकर इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। देन जो प्राइस फिक्स होगा एज अ रिजल्ट ऑफ बुक बिल्डिंग, अगर वो हायर प्राइस है उस प्राइस से जिस प्राइस पर आपने एंकर इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है वो एडिशनल अमाउंट लेके आएगा। सपोज आपने एंकर इन्वेस्टर को 10 रुपीज़ पर शेयर पर अलॉट किए और जो फाइनल बिडिंग प्रोसेस से प्राइस निकल के आया वो 15 रुपीज़ था, तो जितने भी उसको शेयर्स अलॉट किए हुए हैं पर शेयर 5 रुपीज़ वो और लेके आएगा। लेकिन अगर जो प्राइस फिक्स होता है एज अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो कम है, लोअर है उस प्राइस से जिस प्राइस पर आपने एंकर इन्वेस्टर को अलॉट किया है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो उसे वापस नहीं की जाएगी। देन जो नंबर ऑफ शेयर्स आप एलोकेट कर रहे हैं एंकर इन्वेस्टर्स को और प्राइस जिस पे एलोकेशन दी जा रही है उसे आपने पब्लिक डोमेन में लाना है, पब्लिक को बताना है, और वो मर्चेंट बैंकर बताएगा बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। और 30 डेज का लॉक इन पीरियड होता है जो आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं एंकर इन्वेस्टर्स को उस डेट से जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है पब्लिक इशू को, मतलब जो एंकर इन्वेस्टर है जो शेयर्स उसको इशू किए गए हैं उसको 30 डेज तक वो कुछ नहीं कर सकता है ना बेच सकता है वो, तो ये जो कंडीशन है लॉक इन की होती है। देन ना ही मर्चेंट बैंकर ना ही कोई उससे रिलेटेड पर्सन जो रिलेटेड है प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप मर्चेंट बैंकर से या कंसर्न मर्चेंट बैंकर से, वो कंसर्न पब्लिक इशू के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिन मनी। मार्जिन मनी जो आप कलेक्ट करोगे हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर से वो सेम होनी चाहिए। जो आप मार्जिन मनी कलेक्ट कर सकते हो वो क्या हो सकती है, अमाउंट या तो एंटायर एप्लीकेशन मनी को आप एज अ मार्जिन मनी आप कलेक्ट कर सकते हो सभी एप्लीकेंट से बिफोर प्लेस एंड ऑर्डर ऑन देयर बिहाफ, वो जब ऑर्डर अपने बिहाफ पे प्लेस कर रहे हैं तो उससे पहले एज अ मार्जिन मनी जो आप कलेक्ट कर सकते हो वो एंटायर एप्लीकेशन मनी को आप एज अ मार्जिन मनी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस में जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक ट्रांसपेरेंट बिडिंग फैसिलिटी के थ्रू होता है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है। जब जो आपका इशू है वो ओपन है पब्लिक को बिडिंग के लिए तो जो एप्लीकेंट है वो अप्रोच कर सकता है स्टॉक ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसके थ्रू वो सिक्योरिटीज जो हैं उसे ऑफर की जाती हैं अंडर ऑनलाइन सिस्टम। जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट्स या डिपॉजिटरी
पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एप्लीकेंट्स जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो बिड्स प्लेस कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, जिनके पास राइट होती है जो भी बिडिंग प्रोसेस है उसको वेरीफाई करने के लिए। जो बिडिंग टर्मिनल्स हैं वो ऑनलाइन ग्राफिकल डिस्प्ले दिखाते हैं डिमांड का, जो शेयर्स की डिमांड है, बिड प्राइजेस, जिस प्राइस पर कितनी डिमांड हो रही है। जो प्राइस बिड प्राइजेस हैं वो आपको पीरियोडिक इंटरवल्स पर अपडेट करने होते हैं, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके जिसका ऑनलाइन सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे स्क्रीन पे हर 30 मिनट के इंटरवल के बाद आपको वो दिखाना होता है कि कितनी डिमांड कितने प्राइस पर जो कंपनी के शेयर्स हैं वो जो बिडिंग है वो चल रही है। वो जो इंटरवल होना चाहिए एक और दूसरे जो आप दिख शो कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर बिडिंग प्राइसेस के लिए ग्राफिक्स, वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है या अपनी बिड को रिवाइज कर सकता है जब तक जो इशू है वो क्लोज ना हो जाए। जो बिडिंग है वो मिनिमम 3 डेज के लिए ओपन रहती है सभी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। जो इशूअर है वो लीड बैंकर के साथ कंसल्ट करके डिटरमाइन करेगा कि किस क्या इशू प्राइस होना चाहिए, और वो इशू प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव। जो आपको बोलियां रिसीव हुई है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि क्या इशू प्राइस होगा। प्राइस डिटरमाइन करने के बाद जो भी आपका नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं जो आपने ऑफर करनी है वो डिटरमाइन होती है। एक बार आपका जो फाइनल प्राइस है जिसे हम कट ऑफ प्राइस भी कहते हैं वो डिटरमाइंड हो गया, एक बार जो आपका फाइनल प्राइस है जो कट ऑफ प्राइस है वो डिसाइड हो गया, तो जो भी बिडर्स हैं जिनकी बिड सक्सेसफुल रही हैं उनको आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉट कर देंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बिड कर सकते हैं कट ऑफ प्राइस पर बजाय उसके जो उन्होंने अपने स्पेसिफिक बिड प्राइस फॉर्म में फिल किया था। नेक्स्ट आता है रजिस्टरिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो फाइनल प्रॉस्पेक्टस है जिसमें सभी डिस्क्लोजर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, जो रेगुलेशंस हैं जिसमें प्राइस, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, प्रपोज जो आप कर रहे हो इशू करने के लिए उसे आप रजिस्टर करवाओगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। नेक्स्ट आता है किस मैनर ऑफ अलॉटमेंट और एलोकेशन क्या होगा। मैनर में जो अलॉटमेंट होगी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर, वो प्रोपोर्शनेटली होगी। जो अलॉटमेंट होगी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को वो सब रेगुलेशन 1A ऑफ रेगुलेशन 50 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग होगी। इन केस अंडर सब्सक्रिप्शन होता है किसी भी कैटेगरी में तो जो अंडर सब्सक्राइब पोर्शन है उस कैटेगरी का वो एलोकेट किया जाएगा बिडर को एज पर जी जो डिस्क्लोजर आपने रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में किया है उसके रेगुलेशंस के साथ, एज पर दी रेगुलेशंस जो आपने डिस्क्लोज किया है अपने रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में सेबी के पास। देन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, जो इश्यूअर है वो अप्लाई कर सकता है फॉर लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर, किसी और स्टॉक एक्सचेंज पर भी वो अप्लाई कर सकता है सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग करवाने के लिए अदर देन दो स्टॉक एक्सचेंज जिसपे उसने सिक्योरिटीज़ को स्पेसिफाई सिक्योरिटीज़ को ऑफर किया है, मतलब जिस स्टॉक एक्सचेंज का आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो बिडिंग प्रोसेस के लिए, ज़रूरी नहीं है आपको उसी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करनी है, आप किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर भी अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा सकते हो। देन आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। फाइनल बुक ऑफ डिमांड जो आपको बताएगी रिजल्ट एलोकेशन प्रोसेस का वो मेंटेन करेगा लीड बुक रनर। जो बुक रनर है और जो अदर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस से वो मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड्स बुक बिल्डिंग प्राइसेस के। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, ग्रे मार्केट ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं इस मेथड के थ्रू। ग्रे मार्केट मतलब इलीगल मार्केट में जो सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। देन जो ड्यूरेशन है अलॉटमेंट और लिस्टिंग के बीच का वो मिनिमम हो जाती है, वो कम हो जाती है, और बहुत लिटल चांसेस होते हैं इस मेथड के थ्रू प्राइजेस को मैनिपुलेट करने के जब आप प्राइजेस को लिस्टिंग कर रहे हो। जो बिड्स आप रिसीव कर रहे हो उसके बेसिस पर जो प्राइजेस हैं वो डिसाइड होते हैं। देन जो लेंथी अलॉटमेंट प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है।
करंट पोजीशन अगर हम देखें तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2004-2005 जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ था बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू वो इंक्रीज हुआ है। पहले 25% इक्विटी ऑफरिंग हो रही थी 2001 में, वो इंक्रीज होकर 53% हो गई 2002 में, 64% 2003 में, 99% 2004 में। आफ्टर 2005-06 सारे इश्यूज बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू किए जाते हैं। तो इसके साथ आपका जो बुक बिल्डिंग का मेथड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।